Hey guys, welcome back to my channel. I'm so awkward right now. It is Sunday, guys. Sunday and I am vlogging. Very rare occurrence. Usually मैं Sunday को off लेती हूँ. But today is different. Today is 31st March. मुझे लग रहा था कि March महीना खत्म हो चुका है. But no, there is an extra day in March for us. And आज हम कर रहे हैं preparation for a trip. I'm so excited. पीछे कौन आ रहा है? Shit, यार इतने ज़्यादा लोग क्यों आ रहे हैं? Okay, मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बता देती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं आज. बेसिकली अभी बज रहे हैं 11 एंड मैं एंड कोमल हम दोनों जा रहे हैं हमारी ट्रिप की शॉपिंग करने के लिए. बच गया भाई. I won't reveal the place right now because हमने literally अभी कुछ भी book नहीं किया, ना ही हमने tickets book की है, ना ही हमने hotel वगैरह कुछ भी book नहीं किया. But still, कोमल को सिर्फ weekends off मिलते हैं and आज Sunday है, so we are going for a shopping. I have realized this one thing कि भाई मेरे पास jeans top तो बहुत है, but I don't own a summer dress. मुझे basically एक cute सी floral summer dress चाहिए. सो आज मैं दो तीन शॉप ट्राई करने वाली हूँ. यू नो माई फेवरेट थ्रिफ्ट शॉप्स एंड वहाँ पे जाके हम देखेंगे. भाई लोग आ रहे हैं यार. अनदर अंकल. वाओ. यू नो व्हाट मुझे क्यों डर लगता है? बिकॉज माई सोसाइटी हैज दिस व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें ना सारे अंकल वेले बैठे हुए मैसेज करते रहते हैं. लाइक कुछ भी बात कर रहे हैं वो लोग, कुछ भी. एंड मैं उस ग्रुप के अंदर हूँ एंड प्रोबेबली आई एम द ओनली गर्ल इन दैट ग्रुप. इट्स जस्ट सो पॉइंटलेस. एंड बट यार इस उम्र में उनके पास बच्चा ही क्या है अब करने के लिए. बट या एनीवेज मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ. 11 बजे वो शॉप खुलती है. सबसे पहले हम घुस जाएंगे ताकि हम अच्छी अच्छी चीजें ले सके. ओके बाय. पूरे वीडियो के सारे इंट्रोस इतने ज्यादा अनोइंग है. आई एम सो सॉरी. टुडे इज द डे वी आर लीविंग फॉर अवर ट्रिप. लिटरली फेब्रुआरी से हम लोग सोच रहे थे कि चलो चलते हैं चलते हैं चलते हैं. एंड आई एम सो एक्साइटेड. बट द थिंग इज हम इतने ज्यादा अंडर प्रिपेयर हैं. लिटरली मैंने कुछ नहीं किया अभी तक. आज शाम को मुझे निकलना है, हमारी ट्रेन है. एंड ना ही मैंने अभी तक वैक्सिंग की है, ना ही मैंने अभी तक पैकिंग की है. मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे आउटफिट्स कौन कौन से होने वाले हैं. वी डोंट हैव अवर आइटनरी प्लान. इसके बारे में सारी बातचीत मैं नेक्स्ट व्लॉग में करूंगी. टुडेज वीडियो इज अबाउट प्रिपरेशन फॉर द ट्रिप एंड लेट स्टार्ट. टेंशन क्यों नहीं हो रहा? हाउ एम आई दिस एंथुजियास्टिक व्हेन आई हैव डन जीरो प्रिपरेशन? आई एम चेंजिंग, आई एम एवॉल्विंग गाइस. अब मुझे इतना पैनिक नहीं होता जितना मुझे पहले होता था. नाइस, दिस इज गुड फॉर माई ब्लड प्रेशर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू कि मैंने संडे को क्या तीन चीजें खरीदी. दिस ऑरेंज टी शर्ट. यार मुझे ना ऐसे प्लेन टी शर्ट खरीदना बहुत पसंद है यार. और इसमें ना दो तीन कलर अवेलेबल थे बट आई डिडंट हैव इनफ बजट. मुझे पैसे बचाने थे. गाइस मैंने अभी अभी सुबह हेयर वॉश किया है, दैट्स व्हाई माई हेयर आर फ्लफी मेस. मैं कल सुंदर लगूंगी, ठीक है? दिस इज द थिंग विथ मी. अगर मैंने आज हेयर वॉश किया है तो मैं आज अच्छी नहीं लगूंगी, बट हेयर वॉश के एक दिन बाद आई लुक गुड. हाउ मेनी ब्लैक शर्ट्स आर टू मेनी ब्लैक शर्ट्स? क्लियरली आई डोंट नो द आंसर, बट वेन यू सी द डिटेलिंग ओवर हियर, आई नो यू आर जेलस,
When I saw this shirt, I was like, कैसे जाने दूँ? कैसे जाने दूँ? This is so bonjour Paris coded. अभी मैं जहाँ पे जा रही हूँ घूमने के लिए वहाँ पे this is not an appropriate outfit to wear. तो मैं ये नहीं पहन पाऊंगी but one day I will style this perfectly. This is so cool. I have so many cool black shirts. I'm so proud of myself for collecting them. Next, I have this oversized Pokemon T-shirt. मैंने इतना ज्यादा Pokemon देखा है. You have no idea. अगर आप Pokemon lover हो गए तो आपको पता चल रहा होगा the value of this T-shirt. Look behind. I have whole fucking Pikachu on my back. How cool is that? This is my outfit number one. Basically, this is my, you know, train outfit. This jeans, it is so comfortable, literally. मेरे पास बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे जीन्स है बट आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट देम फॉर ट्रेन जर्नी. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? ये वाला जीन्स जो है आई कैन रिस्क दिस. अगर ये थोड़ा गंदा भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. दिस इज माई सेकेंड आउटफिट. मैं एक मंदिर जाने वाली हूँ, बहुत ही ज्यादा फेमस मंदिर. दिस इज लाइक परफेक्ट. ये जीन्स भी बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल है एंड दिस व्हाइट कुर्ती मुझे गर्मी भी कम लगेगी एंड आई विल कैरी दिस अजूरा पर्स. मैंने ना ये वाला आउटफिट एक दो बार कॉलेज में पहन लिया है बट आई डिडंट पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम. मीन्स इफ इट इज नॉट पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम आई डिडंट वेयर इट. This is the only new top I own currently. But यार मेरे पास एक भी ऐसा जीन्स नहीं है जो इसके नीचे मैच करता हो. I mean I have black skirt जो मैच करता है but I am not at all comfortable wearing a skirt. And I have to vlog also in public, so it is already very awkward. And मेरा हाथ पूरे टाइम ऐसा रहेगा and I don't think so this top will be comfortable. This is my third outfit. यार ये छपरी जैसा लग रहा है. I don't know. I really like it. मुझे neon color पहनना बहुत पसंद है. People will judge me. They are going to judge me anyways. You know, मैं कुछ भी पहन लूँ, people are going to judge me. I don't care. कुछ लोगों को ये छपरी जैसा लग रहा होगा, but this is fashion for me. I don't care. Next, I have this top. Bro, I was literally 19 when I got this top. This is my first ever H&M purchase for my birthday. And ever since then, every once in a while, main ye top pehenti rehti hu. This is such a nice piece, yaar. Ye full sleeve hai. It is black, goes with everything. Maine literally ise itni bahar pehna hai. Full paisa vasool. Just in case agar mujhe koi outfit pasand na aaye, this will be my emergency outfit. It's time to apply face mask. I am using this Khadi Naturals face mask because it really works for me. Let's think about कि हमारा क्या क्या काम बाकी है. ये सब कुछ fold करके pack करना अभी भी बाकी है. I have to wax. I have lot of hairs on my legs. I have to change my nail polish because these bitches are very ugly. Oh shit, I fucked up, bro. I fucked up. मैंने अभी तक मेरे मेकअप ब्रशेस क्लीन नहीं किए. शिट, मुझे ओशिया मार्ट जाके भी एक दो चीजें लेके आनी है. मुझे आराम भी करना है, मुझे नींद आ रही है यार. फेस पैक डन. अभी हम इसको ड्राई करने के लिए टाइम देंगे एंड तब तक ना मैं सब कुछ फोल्ड करके अपनी नेल पॉलिश चेंज कर देती हूँ एंड मेरा फोन चार्जिंग में रख देती हूँ एंड मुझे मेरी पावर बैंक भी चार्ज करनी है. अच्छा, याद आ गया. सी यू आफ्टर लाइक 1 आवर. It is like 2 o'clock right now and my brain is just buffering. मैंने अभी अभी अपना फेस पैक रिमूव किया है एंड मैं थोड़ा सो गई थी बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही है यार. एंड दिस इज माई नेल पॉलिश. आई मीन वीडियो में इतना खराब नहीं लग रही बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा. इट लुक्स लाइक कि यार 2 साल की बच्ची ने ये नेल पेंट किया है. आई हैव टू बाय पैड्स. सो मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा यार. ओशिया मार्ट मेरे घर से बहुत दूर है यार. मेरे घर के पास वाला कब से कमिंग सून बता रहा है लेकिन अभी तक नहीं खुला. अगर वो खुल जाता ना फिर मैं रोज ओशिया मार्ट जाती यार.
We have to go. We have to pack. I have to plan everything perfectly. I am Capricorn. अभी भी मेरा मंथली प्रेडिक्शन देख रही थी एंड उसमें आया है कि ट्रैवल के योग बन रहे हैं एंड दैट्स सो ट्रू. आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप. बट उसमें ऐसा आया है कि थोड़ा यू नो कष्ट होगा, थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी. यू गाइज वोंट बिलीव, मैं सुबह सुबह मंदिर जाके आई हूँ. आज सुबह सुबह मैं मंदिर जाके आई हूँ कि भगवान प्लीज अगर तकलीफ दो तो फिर इतनी हिम्मत भी देना है कि हम उस मुश्किल के सामने लड़ पाए. सब कुछ स्मूथली जाना चाहिए, प्लीज भगवान प्लीज. What the little fuck is this? I just want to sleep. मेरे पेट दुख रहा है यार. I don't want my period. यार. I bought this. I really like this. बहुत ही ज़्यादा मसालेदार और टेस्टी लगते हैं. Next I got this. चाट पूरी. Got Monaco. Because I like Monaco. Bitch. And I also bought Whisper. I have never used anything other than pads. ना ही मैंने टेम्पॉन्स यूज किए हैं, ना ही मैंने मेंस्ट्रुअल कप यूज किए हैं. आई एम जस्ट टू स्केयर टू यूज दोज थिंग्स. पैड्स आर वेरी कंफर्टेबल. पता नहीं क्यों फॉरेन में सबको पैड्स बहुत अनकंफर्टेबल लगते हैं, बट आई लाइक दिस पैड. एंड ऑल्सो जो यू नो कपड़े के पैड्स आते हैं, रिसाइकेबल, वो भी मुझे चल जाते हैं बिकॉज मेरा फ्लो इतना हैवी नहीं होता. यू नो व्हाट गाइज, नाउ आई विल बी वैक्सिंग माय सेल्फ एंड वैक्सिंग इज नॉट अ इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच, यू नो. सो आई नीड टू एंड दिस वीडियो राइट हियर बिकॉज लिटरली मैं अब कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं करने वाली. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज. सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून विथ अ ट्रैवल ब्लॉग. ट्रैवल ब्लॉगर इनकमिंग. भगवान हमको थोड़ी शक्ति दे कि हम अकेले ट्रैवल कर पाए, अच्छे से ब्लॉग कर पाए. आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करना कि यू नो अच्छा हो जाए, सब मस्त ब्लॉग बनेगा. आई एम सो एक्साइटेड. सो या बाय. भाई मुझे तो मेरी फोटोज की चिंता हो रही है यार. आई रियली होप कि कोमल मेरी अच्छी फोटोज क्लिक करे. आई वॉन्ट टू चेंज माई प्रोफाइल फोटो. क्या कोमल ने मेरी अच्छी फोटोज क्लिक की या फिर हमारा फिर से झगड़ा हो गया? हमारी मुंबई ट्रिप कैसी रही? जानने के लिए देखिए अगला व्लॉग जल्द ही ऑन दिस चैनल ओनली.